जवाहरलाल नेहरू और एडवीना माउंटबेटन की लव स्टोरी। जब इस शब्द का इस्तेमाल होता है ना, मोहब्बत, प्यार, लव स्टोरी, तो मैं कभी भी किसी भी नेगेटिविटी को उसके साथ रिलेट नहीं कर पाती हूँ। बहुत सारी कहानियाँ मैंने पढ़ी हैं, बहुत सारे इंस्टेंसेस कोट किए जाते हैं इन दोनों के नाम को जोड़ के, ज़्यादातर बहुत नेगेटिव तरीके से। आज की जो कहानी है उसमें आप इनके एक स्पिरिचुअल बॉन्ड को फील करेंगे, वो बॉन्ड जो इनका परिवार बहुत अच्छे से जानता था, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी थी या फिर एडविना माउंटबेटन की बेटियां पैमला और पेट्रिका या उनके पति। एडविना माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों की मोहब्बत के किस्से आपको शिमला की मशोबरा हिल्स वहाँ पर महसूस हो जाएंगे इस कहानी को सुनने के बाद। इन दोनों का रिश्ता शुरू कब हुआ ये डेट तो आपको कोई बता नहीं पाएगा, लेकिन वो पहली बार मिले थे 18 मार्च को 1946 में सिंगापुर में। हुआ ये था कि सिंगापुर जवाहरलाल नेहरू पहुंचे, वहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई, फिर नेहरू वहाँ से जा रहे थे तो लॉर्ड माउंटबेटन ने उनसे रिक्वेस्ट की कि उनकी जो पत्नी है एडविना वो उनसे मिलना चाहती है। उस वक्त एडविना एक चैरिटी फंक्शन के लिए YMCA में थी। लॉर्ड माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू YMCA एडविना माउंटबेटन से मिलने के लिए गए। जैसे ही वहां के लोगों को पता चला कि जवाहरलाल नेहरू वहां आ रहे हैं, भीड़ उनकी तरफ भाग के गई। उसी धक्के मुक्की में एडविना माउंटबेटन गिर गई। ये किस्सा एडविना माउंटबेटन की बायोग्राफी लिखी है जिन्होंने रिचर्ड वो, उन्हें इंदिरा गांधी ने बताया। आगे ये लिखा है कि लॉर्ड माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू दोनों एडविना माउंटबेटन को ढूंढ रहे थे, पूरी भीड़ में वो कहीं नजर नहीं आ रही थी, तो जवाहरलाल नेहरू कुर्सी पर खड़े होकर उन्हें ढूंढने लगे। उन्होंने देखा कि एडविना माउंटबेटन जमीन पर गिरी हुई है, शी वॉज लिटरली क्रॉलिंग। फिर पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने और जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें जाकर उठाया और फिर उनसे फॉर्मल इंट्रोडक्शन हुई। ये उनकी पहली मुलाकात थी। एडविना माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू का कॉमन ग्राउंड था इंडिया के लिए प्यार। बहुत बार ऐसे किस्से हो चुके थे कि जहां पर कुछ गड़बड़ होने का पता चले या फिर ऐसा अंदेशा हो, ऐसी भनक भी जवाहरलाल नेहरू को लग जाती थी तो वो बिना गार्ड्स के टैक्सी में ही उस जगह पहुंच जाते थे। यही एक कैरेक्टरिस्टिक एडविना माउंटबेटन में भी थी। कुछ रिश्तों में चीजें बोली नहीं जाती, शब्दों का एहसास नहीं होता। क्योंकि शब्दों का एहसास नहीं होता इसलिए कोई तारीख नहीं होती कि क्या किस दिन बोला गया। ऐसा ही रिश्ता था उन दोनों के बीच में। चिट्ठियां अक्सर एक्सचेंज हुआ करती थी। 1947-1948 का ये जो टाइम था इंडिया के लिए, ये टर्बुलेंस भरा था। जवाहरलाल नेहरू जो उस वक्त एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजिशन में थे, बहुत स्ट्रेस में रहते थे, किसी का भी ऐसी सिचुएशन में स्ट्रेस में रहना बनता है। इंदिरा गांधी के मुताबिक एडविना माउंटबेटन एक ऐसी लेडी थी जो जवाहरलाल नेहरू के दिमाग को शांत और फोकस्ड ऑन द टारगेट रखती थी। इंदिरा का अपने पिता के लिए ये मानना था कि अच्छा था उनके पास एडविना थी। एडविना माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू कई बार मिलते थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने अपना ये एक्सपीरियंस अपनी बेटियों के साथ चिट्ठी में शेयर किया। एक चिट्ठी में उन्होंने अपनी बेटी को ये लिखा कि एडविना और नेहरू बहुत क्यूट लगते हैं साथ में, उन्हें साथ देखकर मुझे जरा भी इनसिक्योरिटी नहीं होती। जवाहरलाल नेहरू और एडविना माउंटबेटन की लव स्टोरी को बहुत सारे पॉलिटिकल एंगल से भी देखा गया। लॉर्ड माउंटबेटन के हिसाब से जवाहरलाल नेहरू वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स और एडविना माउंटबेटन एक बहुत ही इंटेलिजेंट फीमेल विद अ वेरी फ्रेंडली टेम्परमेंट। एडविना माउंटबेटन की बेटी की समझ से उनकी माँ और जवाहरलाल नेहरू का रिश्ता एक बहुत खूबसूरत रिश्ता था। पैमला माउंटबेटन इज कोटेड सेइंग कि ये दोनों जवाहरलाल नेहरू और एडविना एक दूसरे की लोनलीनेस, एक दूसरे की जिंदगी के गैप्स को फिल करते हैं। उनके हिसाब से उनकी माँ एक इजी कम्युनिकेटर नहीं थी व्हेन इट केम टू पर्सनल रिलेशनशिप्स। यहाँ तक कि उनका ये मानना था कि कभी भी उनकी माँ उनके पिता लॉर्ड माउंटबेटन के साथ भी इतने आराम से कम्युनिकेट नहीं कर पाई जो वो हैं, वो पूरे खुले तौर पर उन्हें नहीं बता पाई। ऐसा रिश्ता था जवाहरलाल नेहरू और एडविना माउंटबेटन का। इंदिरा गांधी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन की दोनों बेटियां पैमला और पेट्रिका, इन सभी का ये मानना था कि ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत खूबसूरत है एक स्पिरिचुअल लेवल पे। ये रिलेशनशिप फिजिकल नहीं है, एक इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल बॉन्डिंग जो होती है
वो है इसमें। कई बार ऐसा होता था जब जवाहरलाल नेहरू बहुत ही स्ट्रेसफुल टाइम से गुजर रहे होते थे तो उनको एडवीना माउंटबेटन चिट्ठी लिखकर शिमला बुलाती थी कि आप आ जाओ, स्पेंड सम टाइम हियर एंड यू विल फील बेटर। इंडिया से वापस चले जाने के बाद भी हर सर्दियों में एडवीना इंडिया आया करती थी जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए। एडवीना की तबीयत ठीक नहीं रहने लगी थी। एक बार जब वो इंडिया आई तो वो फेंट हो गई। उस वक्त प्रोग्राम ये बना था कि जवाहरलाल नेहरू और एडवीना जनता एलोरा केव्स देखने जाएंगे, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें इंसिस्ट किया कि आप आराम करो, लेकिन वो मानी नहीं। तब ही मानी जब जवाहरलाल नेहरू ने प्रॉमिस किया कि अजंता एलोरा केव्स तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, और वो लोग गए 1957 में साथ में। लॉर्ड माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू के बीच में भी लेटर्स एक्सचेंज होते थे। ज्यादातर उन चिट्ठियों में लॉर्ड माउंटबेटन एडवीना माउंटबेटन की तबीयत के बारे में ही लिखते थे, जो काफी खराब होती जा रही थी। लॉर्ड माउंटबेटन को जवाहरलाल नेहरू ने एक बार चिट्ठी लिखकर बोला था कि जब भी एडवीना इंडिया से वापस जाती हैं तो एक एम्प्टीनेस, एक खालीपन उनकी ज़िंदगी में आ जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन को जो चिट्ठियां लिखते थे जवाहरलाल नेहरू, वो हमेशा टाइप्ड होती थी, लेकिन वो कहते हैं कि जो एडवीना को चिट्ठियाँ आती थी वो हमेशा अपने हाथ से लिखते थे, सेल्फ रिटन।